हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे पनीर टिक्का मसाला। आपने पनीर टिक्का तो सुना होगा, पर पनीर टिक्का मसाला ये अक्सर रेस्टोरेंट में हम खाने जाते हैं वहाँ पे मिलता है और बहुत टेस्टी लगता है सबको। इसके लिए स्पेशली हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, पर आज हम इसे घर पे बनाएंगे, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए बनाते हैं पनीर टिक्का मसाला। बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 2 बड़े चम्मच दही ऐड कर देंगे। दो चम्मच बेसन डाल देंगे। लाल मिर्च डाल देंगे, मैंने करीब 1/2 टीस्पून लाल मिर्च लिए। नमक स्वाद अनुसार, मैं करीब 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सारी चीजों को मिला देंगे। इसका एक फेस तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें 250 ग्राम पनीर लिया मैंने, इसे क्यूब्स में काट लिया है, ये मिला देंगे। पनीर को अच्छी तरीके से पेस्ट के साथ मिक्स कर देंगे। पनीर के ऊपर पेस्ट की कोटिंग चढ़ जानी चाहिए। ये देखिए, मैंने हाथ से अच्छी तरीके से बैटर से कोट कर लिया है। अब इस पनीर को हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे रेस्ट करने के लिए, और तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारा पनीर रेस्ट कर रहा है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे और उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें करीब 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। और इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है ऐड कर देंगे। मैंने 6 से 7 कलियां लहसुन की काट ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे ग्रेट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे दोनों चीजें। और इसे थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। गैस को मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। प्याज हमारे भुन गए हैं, अब इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे। करीब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, इसे हम कलर के लिए डाल रहे हैं। और गैस को धीमी आंच पे कर देंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने 2 बड़े लाल टमाटर को पीस लिया है, अब इसे ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरीके से भून जाने देंगे जब तक कि हमारा टमाटर बिल्कुल पक ना जाए, इसका कच्चापन ना निकल जाए, तब तक इसे हम भूनेंगे।
टमाटर जल्दी भुने इसके लिए हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। और इसे करीब 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। गैस को मीडियम पे कर देंगे। मसाला हमारा तेल छोड़ने लग गया है तो इसका मतलब ये भून गया है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसे भी भून लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसे मसल कर डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच अरारोट पाउडर को थोड़े से पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लिया है। अब इसे डाल देंगे हम इसमें। और इसे करीब 2-3 मिनट तक भून लेंगे। हमारा मसाला भून गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच मक्खन डाल देंगे। मैं व्हाइट डाल रही हूँ जो अनसॉल्टेड है। अगर आप सॉल्टेड डाल रहे हैं तो नमक थोड़ा कम डालें। भून लेंगे अच्छी तरीके से। ग्रेवी हमारी काफी थिक हो गई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। करीब 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है हम गैस ऑन कर लेते हैं और उस पर एक तवा रख लेते हैं। अब इसमें करीब 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम फ्रिज में से पनीर निकाल लेंगे और इसके ऊपर एक एक करके पनीर के टुकड़े रखेंगे। इस तरीके से हम सारे पनीर के टुकड़े इस पे लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पनीर के टुकड़े तवे पे लगा लिए हैं और गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे। और जैसे एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इन्हें पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। करीब 5 मिनट हो गए हैं और हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। हम गैस बंद कर देते हैं। हम गैस को मीडियम आंच पे कर लेंगे ताकि जो हमारे पनीर है वो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमें इसे तेज आंच पे नहीं भूनना है नहीं तो पनीर हमारा जल जाएगा। हमारे पनीर एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हमने इन्हें पलट दिया है। अब इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे।
हमारा पनीर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम गैस बंद कर देंगे और अब इस पनीर को हम ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम सारा पनीर ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। हमारा पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। बहुत अच्छा बना है, कलर भी बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।